हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और हम आगे की पढ़ाई करेंगे। देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 2.5 का डिस्कशन किया था और कंप्लीट नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 तक आई थिंक हमने डिस्कस किया था। और हाँ, इससे पहले कि हम पढ़ाई स्टार्ट करें, हमने एक नया वीडियो अपना लाइव किया है, टाइप्स ऑफ ब्रेन, उसको डेफिनेटली देखिएगा। उस वीडियो को देखने से आपको ये समझ में आएगा कि भाई बुद्धि कितने प्रकार की होती है और ये बुद्धि आप किस प्रकार दूसरी कैटेगरी में जा सकते हैं। मींस देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्रेन, रबर ब्रेन, वायर ब्रेन एंड दी बैम्बू ब्रेन। तो इस किस से कैसे आप एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में जा सकते हैं, बट चलिए वो बात की बात है, वीडियो अलग से बना हुआ है, उसको देख लीजिएगा आप लोग। अब हम स्टार्ट करते हैं कि पिछले वीडियो में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था पूछने के लिए। हमने कहा था क्वेश्चन नंबर 13 से रिलेटेड है वो क्वेश्चन। तो चलिए, पहले जो हमने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि आप एनालाइज करिएगा कि ये जो फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, ये सॉल्यूशन नहीं है हमारा, ये सेपरेट पार्ट है। कि हमें गिवन होता, हम वी नो कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy इंटू जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये होता है। ये फॉर्मूला हम लोगों को पता है। अब हमें क्या करना है बच्चों, कि इस फॉर्मूले को हमने एक दूसरा फॉर्मूला प्रूफ करवाया था आपसे, एक फॉर्मूला आपसे इसके पहले प्रूफ करवाया गया था। उसमें ये लिखवाया था कि मतलब जो क्वेश्चन नंबर 12 था वो ये कह रहा था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इसकी माइनस 3xyz इसकी वैल्यू हम कहेंगे कि 1/2 टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। ये आपको हमने पिछली क्लास में प्रूफ करवाया था। यही आपका क्वेश्चन नंबर 12 था कि आपको ये प्रूफ करना था। हमने इसको एक्सपैंड किया था और यहां पहुंच गए थे। हमने आपसे कहा था कि भैया इससे यहां तक कैसे पहुंचोगे, मतलब इसको आप एक्सपेंड करेंगे ये मिलेगा, इसका मतलब ये है, यही प्रूफ किया था हमने। लेकिन हमने आपसे कहा था कि यहां से यहां कैसे पहुंचेंगे। तो देखिए, ये एक बहुत ही स्ट्रांग मैनिपुलेशन है कि देखिए मोस्टली आपको ये मिलता है, ठीक। और हायर स्टडीज में इस फॉर्मूले की ज्यादा जरूरत होती है। तो हम ये कहते हैं कि इसको इसमें कन्वर्ट करने का जो तरीका होता है ना, आपको पता है करना रिवर्स ही है, लेकिन हमें क्या करना है कि उस प्रोसेस को समझना जरूरी है जिससे ये कन्वर्जन होता है। ये जो फॉर्मूला यहां लिखा है ये आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको इंट्रोड्यूस कर दिया एनसीईआरटी ने। और अगर आप आगे तक की चीजें सीखने वाले बच्चे हैं तो आप डेफिनेटली समझ जाएंगे इसकी इंपॉर्टेंस। तो चलिए, इससे हम उस फॉर्मूले तक पहुंचते हैं पहले, उसके बाद हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे। इसी में आपका वो भी निहित है, ठीक। इसमें तो कुछ नहीं है, अगर x प्लस वाई प्लस जेड है तो जीरो हो गया, अगर ये जीरो हुआ तो पूरा प्रोडक्ट जीरो हो गया, इसका मतलब ये जीरो के बराबर, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3xyz, नॉट अ बिग थिंग। ये समझना जरूरी है। इसमें हम कहते हैं कि आप इसको रीअरेंज करिए, इसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो ये आपका आएगा 1/2 इंटू 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये आता है। इस 2 को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आएगा 1/2 टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाई 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, ये होता है, ये हो जाएगा। अब ये देखिए, ये कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, अच्छे से समझिएगा। ये आएगा 1/2 टाइम्स x प्लस y प्लस z मल्टीप्लाइड बाई इसमें से एक x स्क्वायर लीजिए, इसमें से एक y स्क्वायर लीजिए और इसमें से 2xy लीजिए, तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy, ये एक टर्म बना। फिर एक x स्क्वायर अभी बचा है, चलिए y स्क्वायर लीजिए और z स्क्वायर लीजिए और yz लीजिए, तो ये आ गया y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2yz, ठीक। अब देखिए, 2y स्क्वायर हम यूज कर चुके हैं तो ये खत्म हो गया हमारा,
एक एक्स स्क्वायर एक एक जेड स्क्वायर लिए हैं, तो एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर एक एक बचा हुआ है, तो वो आपका जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू एक्स जेड, ये बन गया। अब आपने इसके यहाँ के सारे टर्म्स यूज कर लिए हैं, ये आपका बनेगा वन बाई टू टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाई ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये काफी इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, ये काफी इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। हम ये कहते हैं कि इफ इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू अगर जीरो हो जाती है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू जीरो हो जाती है, तो ये प्रोडक्ट ये सम जीरो हो गया। इसका मतलब कि ये पूरा जीरो हो गया। दिस इंप्लाइज दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू थ्री एक्स वाई एंड जेड। ये प्रूव करना था आपको 13th में, हो गया, ये तो वेरी सिंपल है। अब एनालिसिस करते हैं कि व्हाट हैपेंस इफ, ये प्रूफ याद है ना आपको, देखिएगा। तो हमने ये प्रूफ कर दिया है कि यहां से आपको मिल गया 1 बाई टू टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये क्वेश्चन नंबर 12th का आपका रिजल्ट है, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। अब अगर मान लीजिए इफ वी आर गिवन, ये इंपॉर्टेंट करके नोट करिएगा, इफ वी आर गिवन कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस इज इक्वल टू थ्री एक्स वाई जेड, ये गिवन है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपको ये रिलेशन कभी भी तीन किसी भी नंबर्स के लिए दिया हुआ है, अगर ये रिलेशन आपको किसी भी तीन नंबर्स के लिए दिया हुआ है, तो व्हाट वी कैन से दैट दिस इंप्लाइज दैट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब सॉरी प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जीरो, इधर ले आए, और हमें पता है कि इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है, तो इसका मतलब वन बाई टू टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड इन टू एक्स एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी जीरो हो गई। अब ये बताइए, ये तो इसको तो हम हटा सकते हैं, वन बाई टू चला जाएगा उधर जीरो में एडजस्ट हो गया, तो इसका मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, ये प्रोडक्ट जीरो है। अब दो नंबर्स का प्रोडक्ट आपने क्वाड्रेटिक में बहुत पढ़ा हुआ है कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट तभी जीरो होता है जब उनमें से कम एक नंबर जीरो हो जाए, ठीक, एक नंबर जीरो हो जाए तभी ये प्रोडक्ट जीरो होता है। तो ये बताइए कि यहां पर कौन से दो नंबर्स का प्रोडक्ट है जिसके प्रोडक्ट के जीरो होने की हम बात कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि या तो ये नंबर है या ये नंबर है। तो दिस इंप्लाइज दैट ईदर एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू जीरो हो जाए और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये जीरो हो जाए, ठीक। इस रिलेशन का इसके बराबर होने का मतलब है कि या तो तीनों का सम जीरो होगा, या तो तीनों नंबर्स का सम जीरो होगा, या इस ये जीरो होगा। अब ये जीरो होना एक स्पेसिफिक थिंग है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर निगेटिव नहीं होता, इसके अंदर आप निगेटिव रखिए चाहे पॉजिटिव रखिए, स्क्वायर करने के बाद वो पॉजिटिव हो जाएगा, और तीन पॉजिटिव नंबर्स का सम, ये सब के सब ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। तो इसका मतलब ये तीनों नंबर्स पॉजिटिव हैं। अब तीनों नंबर्स पॉजिटिव हैं और तीन पॉजिटिव नंबर्स का सम जीरो है, ये कब हो सकता है? सम ऑफ थ्री पॉजिटिव नंबर्स इज इक्वल टू जीरो मींस केवल एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि ऑल ऑफ पॉसिबल ओनली इफ, हम पूरा रीजन लिख देते हैं भाई आपके लिए नई चीज है, हम कहते हैं कि सम ऑफ थ्री पॉजिटिव नंबर्स इज इक्वल टू जीरो पॉसिबल ओनली
एफ क्या हो जाए, तीनों जीरो, तीन पॉजिटिव नंबर्स का सम कैसे जीरो हो सकता है, तीनों जीरो है इसका मतलब, इट मींस ऑल ऑफ देम आर जीरो, तीनों जीरो है तभी ये पॉसिबल ही है रिजल्ट आपका। तो यहां से हम कहेंगे कि दिस इंप्लाइज दैट एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, वाई माइनस जेड इज इक्वल टू जीरो एंड जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। क्या मिला, एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू जेड, जेड इज इक्वल टू एक्स और एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड। बहुत बार ये जेई में पूछा जा चुका है कि जब आप ये रिलेशन अगर होल्ड करता है, आप इस रिलेशन पे पहुंच गए, तो यहां से आप ये कह सकते हैं कि या तो तीनों का सम जीरो होगा या तीनों के तीनों बराबर होंगे। ये तभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है व्हेन तीनों का सम जीरो हो जाए या तीनों इक्वल हो जाए। ठीक है, तो चलिए ये रही एनालिसिस आपके क्वेश्चन नंबर 13th और 12th को कंबाइन करके। गिव मी सम टाइम, आई विल राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो आई हैव रिटन द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द बोर्ड, नंबर लिखना तो हम भूल गए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 14th। विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग द क्यूब्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज फोर डिफरेंट, मतलब तीन नंबर्स का क्यूब निकालना है, तीन नंबर्स का क्यूब करना है, उसका सम करना है, रिजल्ट निकालना है एंड विदाउट एक्चुअली यूजिंग द क्यूब फॉर्मूला। क्यूब फॉर्मूला आपको एक्चुअली यूज नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन पिछले मतलब क्वेश्चन नंबर 12th, क्वेश्चन नंबर 13th और क्वेश्चन नंबर 14th एकदम इंटर रिलेटेड है, एकदम एक दूसरे से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 13 में सॉल्यूशन अभी और उसका हमने एनालिसिस भी आपको करवाया था कि वी नो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू, अब यहां तो हम लिख नहीं पाएंगे, यहां लिखेंगे प्लस सॉरी मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यह है आपका। सो we have already proven that if x plus y plus z is equal to 0, this implies that x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to 0 or x cube plus y cube plus z cube की value 3xyz के बराबर होगी। ठीक, अगर हम ये प्रूफ कर ले गए तो हमें क्यूब्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे निकाल लेंगे हम। चलिए देखते हैं। सो लेट फर्स्ट पार्ट के लिए x इज इक्वल टू माइनस 12, y इज इक्वल टू 7 एंड z इज इक्वल टू 5। तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ गया, माइनस 12 प्लस 7 प्लस 5, 7 5 12, माइनस 12 माइनस 10 0। दिस इंप्लाइज दैट x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इज इक्वल टू 3xyz और माइनस 12 क्यूब जो आपसे पूछा गया है, 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स माइनस 12 इंटू 7 इंटू 5। तो ये आपका आ गया 12 5 जो 60, 60 जो 18, 180 इंटू 7, 180 इंटू 7 विद अ माइनस साइन, तो ये आ गया आपका 0, 8 7 जो 56, 5 और 7 5 12 माइनस 1260। ठीक, ये है आपका आंसर। तो क्या हम लोगों ने क्यूब कैलकुलेट किया, नहीं हम लोगों ने क्यूब नहीं कैलकुलेट किया, हम लोगों ने डायरेक्टली प्रोडक्ट लिया और ये आंसर आ गया। आप चेक कर सकते हैं, इन सबका क्यूब करेंगे ना तो सब आपको आसानी से मिल जाएगा। वैसे आपको सारे के क्यूब पता ही होते हैं, 12 का क्यूब, 12 का क्यूब तो नहीं पता होता है, 144 इंटू 12 करो तो ये आएगा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 एंड 2 1 जा 2, 4 4 एंड 1। ठीक, तो ये आ गया आपका 8 4 12, 1 4 3 7 एंड 1 1728 विद अ माइनस साइन। माइनस 12 का क्यूब है ये, 7 का क्यूब हमको पता होता है, 7 7 जा 49 एंड 49 इंटू 7 इज 343 और 5 का क्यूब होता है 125, तो ये हो गया 8 6 एंड 4 468, इसमें से माइनस कर दीजिए कितना आया 0 6 6 12
और यहाँ पे आ गया 6 4 2 6 -1 2 6 0। सेम नंबर आया ना। मीन्स भैया देखो, फॉर्मूला अगर इतनी मेहनत से डिराइव किया जाता है तो गलत तो नहीं ही होगा, बट स्टिल क्रॉस चेकिंग करने से ना कॉन्फिडेंस आता है। इसलिए हम हमेशा बच्चों को एनकरेज करते हैं कि आप क्रॉस चेक करिए, यू शुड ट्राई टू प्ले अराउंड। होम बोझ की तरह मैथ्स को मत लेके चलिए कि अरे यार क्वेश्चन कर लो, जान प्राण निकले जा रहे हैं कर लो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन ऐसा हुआ, कैसे हुआ, क्या ये सही है, ये मतलब बी एंथुसियास्टिक, थिंक 3 स्टेप्स अहेड, तभी आप आगे निकल पाएंगे मैथमेटिक्स में। चलिए सेकेंड वाले पे आते हैं। सेकेंड वाला कहता है कि इसमें हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 28, y इज इक्वल टू -15 एंड z इज इक्वल टू -13। तो x cube x plus y plus z कितना आ गया, वापस आपका आ गया 12 -8 -13 इज इक्वल टू 0। therefore x cube plus y cube plus z cube इज इक्वल टू 3xyz और 38 cube minus 13 cube and minus 15 का cube इज इक्वल टू, अब देखिए ये क्या आएगा, 3 times 28 into -15 into -15। अब इन दोनों का प्रोडक्ट, सॉरी -13, तो दो नेगेटिव है, प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा पॉजिटिव आएगा और तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। लेट्स मल्टीप्लाई इट ओवर हियर। तो 15 * 3 = 45, तो -45 * 13, माइनस साइन छोड़ दीजिए, साइन तो हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। 15 * 45 * 13 करते हैं तो ये आ गया आपका 3 * 5 = 15 1 * 4 * 12 1 = 13 and 45, तो ये आ गया 5 * 3 = 8 और 5 = 585 आ गया। और 585 को जब आप 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 585 * 28, तो 8 5 = 40 4 8 = 64 8 6 8 5 = 40 46 and 5 2 = 10 1 8 2 = 16 17 carry 1 5 2 = 10 1 11, तो ये आ गया आपका 0 8 8 7 7 6 13 और 1 6 3 8 0, दिस इज इक्वल टू 16380। अब हम इसको क्रॉस चेक नहीं करेंगे, 3 3 क्यूब्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, ये ज्यादा इजी था, वी हैव डन इट। ठीक है बच्चों, तो दिस कंप्लीट्स द डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14, गिव मी सम टाइम। ठीक है बच्चों, अब अगले जो दो क्वेश्चंस है ना, ये एकदम सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं और बेसिकली ये कुछ नहीं है, फैक्टराइजेशन है। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का आपको आइडिया है, ये हमने आपको पहले भी कहा था कि अगर देखिए, देयर आर टू मेथड्स ऑफ फैक्टराइजिंग अ पॉलीनोमियल। वन इज अगर क्वाड्रेटिक है, मतलब अगर क्वाड्रेटिक की बात करें तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और फैक्टराइजेशन रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम वाला हमने आपसे कहा था भाई, क्यूबिक बाय क्वाड्रेटिक के लिए यू आर बाउंड टू यूज इट, बिकॉज उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, वी डोंट हैव अ सर्टेन मेथड ऑफ फैक्टराइजिंग अ क्यूबिक और बाय क्वाड्रेटिक। तो उसमें आपको एक फैक्टर निकालना ही पड़ता है यूजिंग फैक्टर थ्योरम, और उसके बाद जब वो क्वाड्रेटिक में रिड्यूस हो जाती है देन यू कैन गो फॉर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक है ना, तो आई ऑलवेज से कि यू प्रेफर फैक्टराइजिंग बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो यही आपको कोशिश होनी चाहिए। यहां पर उसने बोला कि द क्वेश्चन सेज कि गिवन द पॉसिबल, गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच एरियाज। एरिया वो कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है आपके पास जिसका एरिया वो बोल रहा है कि इस एक्सप्रेशन से दिया गया 25a² - 35a + 12। ठीक, तो अब ये बताइए कि हमने आपसे कहा था कि भाई चलिए जो भी है नंबर ढूंढते, इसको बेसिकली एरिया आता कैसे है, एरिया आपका लेंथ इंटू ब्रेथ से आएगा। मतलब ये एक्सप्रेशन लेंथ इंटू ब्रेथ का एक्सप्रेशन है, मीन्स इसको हमें दो फैक्टर्स में ब्रेक करना है, दो फैक्टर्स में ब्रेक करना है। जब आप दो फैक्टर्स में ब्रेक कर लेंगे तो उसमें से किसी एक को आप लेंथ बोल दीजिएगा, किसी एक को आप ब्रेथ बोल दीजिएगा। सिंपल, एरिया इसी को बोलते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इसको हम लिख सकते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। सम क्या है, सम आपका है -35 एंड प्रोडक्ट है आपका कितना 25 × 12। तो 25 × 12 मल्टीप्लाई करिए
इस वजह से फैक्टर्स की हमें जरूरत पड़ती है। तो फैक्टर्स आपके आएंगे 5 × 5 × 4 × 3 = 12, 2 × 2 × 3। अब कॉम्बिनेशंस देखते हैं जिसका कि सम 35 आ जाए। ये आपका 25 × 12 लिखा हुआ है, तो 35 चाहिए, तो 25 और 12 तो नहीं हो सकते, 10 और 6 × 5 = 30 नहीं हो सकते, 5 × 3 = 15 भाई कॉम्बिनेशंस देख रहे हैं केवल, 5 × 3 = 15 एंड 5 × 4 = 20 यस, ये दोनों नंबर्स हैं जिसका कम सम 35 आ गया, सम 35 आ गया। प्रोडक्ट सम नेगेटिव है, प्रोडक्ट पॉजिटिव है, मतलब दोनों नंबर्स हमें कैसे लेने पड़ेंगे, नंबर्स आर −20 and −15। ठीक, चलिए, देयरफोर दिस क्वाड्रेटिक बिकम्स, कहां गया, नंबर्स प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना आप लोगों ने सीखा होगा। देयरफोर दिस क्वाड्रेटिक बिकम्स एरिया इज इक्वल टू 25a² − 20a − 15a + 12। अभी भी सेम चीज लिखी हुई है, −35a ही है। इसमें से आप 5a कॉमन ले लीजिए, तो ये आपका आएगा 5a − 4। इसमें से आप −3 कॉमन ले लीजिए, तो ये आएगा 5a − 4। ठीक, दोनों में से 5a − 4 कॉमन ले लीजिए, तो ये आपका बचा 5a − 4 × 5a − 3। देयरफोर अब आपने एरिया को दो फैक्टर्स में लिख दिया है, तो इसमें से कोई एक लेंथ हो सकता है, कोई एक ब्रेथ हो सकता है। तो देयरफोर हम कहेंगे कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एल एंड बी आर 5a − 4 and 5a − 3। यही दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। अब एक ही वैल्यूज पुट करते रहिए, आपको अलग अलग वैल्यूज मिलती रहेंगी। लेट मी चेक द आंसर कि क्या यही आंसर आया है आपका। तो बिल्कुल आपका आया है आंसर 5a − 3 and 5a − 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लिया जाए। सेकेंड वाले में आपका एरिया का एक्सप्रेशन है 35y² + 13y − 12 एरिया इज इक्वल टू, यहां से आपको मिला सम क्या है आपका, सम आपका है −12 × 35। प्रोडक्ट है आपका, प्रोडक्ट एंड सम आपका है +13। ठीक, आपको दो ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिसका कि प्रोडक्ट −12 × 35 हो और सम 13 हो। तो चलिए नंबर्स निकालते हैं। तो 12 के फैक्टर्स 2 × 2 × 3 12, 35 के फैक्टर्स 5 × 7। दो नंबर्स ढूंढने हैं आपको जिसका कि, अब देखिए प्रोडक्ट नेगेटिव है, मतलब एक नंबर पॉजिटिव होगा, एक नंबर नेगेटिव होगा। लेट्स स्टार्ट। तो एक पॉजिटिव मतलब एक नंबर 13 से बड़ा चाहिए, तो 13 से बड़ा इससे तो नहीं मिल सकता, इन दोनों का ही यूज करना पड़ेगा। तो 5 × 3 = 15 और बाकी 7 × 4 = 28, 15 and 28, क्या ये हो सकता है, यस 13 आ गया ना डिफरेंस, बस हमें यही नंबर चाहिए था 15 and 28। सम पॉजिटिव है तो हम किसके लिए, प्रोडक्ट क्या था आपका −12 × 35, सम था आपका 13, तो नंबर्स क्या हो गए, नंबर्स आर 15 and 28। ये पॉजिटिव है तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे, इसको माइनस लेंगे, प्रोडक्ट नेगेटिव है तो एक को नेगेटिव लेना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर एरिया बिकम्स इज इक्वल टू 35y² + 28y − 15y − 12। तो इसमें से आप 7y कॉमन लीजिए, तो ये आपका बचा 5y + 4 और यहां से आप 3 कॉमन लीजिए, तो −3 कॉमन लिया, तो यहां बचा 5y + 4। तो फैक्टर्स क्या क्या बने, 5y + 4 × 7y − 3। देयरफॉर पॉसिबल लेंथ ऑफ एल एंड बी आर, या तो ये लेंथ हो जाए या तो ये लेंथ हो जाए, 5y + 4 and 7y − 3। ये हो गई आपकी लेंथ। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15th। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है बच्चों, तो the last question of this exercise is written on the board and this is very very similar to question number 15th and ye usi ka extension hai, usme area diya tha, isme volume diya tha, ab ye batao volume ka formula kya hota hai, pata hai na,
वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है पहले तो यही बताते हैं। तो क्यूबॉइड आपका होता है बच्चों ऐसा, ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा होता है ठीक, इसको कहते हैं हम क्यूबॉइड ठीक। इसमें एक लेंथ होती है, एक बेस होता है जिसकी लेंथ और ब्रेथ होती है, और एक हाइट होती है। तो बेसिकली वी से दैट वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, मींस जो भी वॉल्यूम दिया हुआ है ये तीन का फैक्टर होना चाहिए। तीनों का फैक्टर निकाल लेंगे तो आप ये बोल सकते हैं कि भैया ये लेंथ होगा, ये ब्रेथ होगा, ये हाइट होगा। जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा कि एक क्यूबॉइड है जिसका वॉल्यूम है 24 वॉल्यूम का एक क्यूबॉइड बनाइए, तो आप कहेंगे कि इसकी पॉसिबल लेंथ बता दीजिए, तो आप कहेंगे कि इसको फैक्टराइज कर लो, तो ये आएगा 4 × 3 × 2, 4 × 3 = 24। हम कहेंगे इस डायमेंशन का कोई भी क्यूबॉइड बनाइए, उसका वॉल्यूम 24 ही आएगा ठीक। उसी तरीके से अगर वॉल्यूम ये है या ये है, तो आपको तीन फैक्टर्स में इसको ब्रेक कर दीजिए। आप ये भी कर सकते थे कि इसको 2 × 6 × 2 भी कर सकते थे, ये भी आपका एक क्यूबॉइड होगा जिसका वॉल्यूम 24 होगा। तो इसका वॉल्यूम अगर हमें 20 ये बनाना है तो क्या करना होगा, इसको फैक्टर करना होगा। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 3x² - 12 ठीक। एक मिनट, हमने क्वेश्चन सही लिखा है 3x² - 12x, 12x, इसके तो फैक्टर्स ही नहीं होते ठीक। अब इसमें से आप कॉमन लीजिए, क्या कॉमन लेंगे, पहले तो 3 कॉमन दिख रहा है तो, और इसमें से x कॉमन दिख रहा है, तो 3x × x, यहां कितना बचेगा x - 4। तो यहां पर देखिए तीन फैक्टर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, आगे सोचने की जरूरत नहीं है। क्या है? 3 × x × x - 4। हम ये कहेंगे कि पॉसिबल डायमेंशंस, इनमें से कोई भी एक लेंथ हो सकता है, कोई भी एक ब्रेथ हो सकता है, और कोई भी एक हाइट हो सकता है। पॉसिबल डायमेंशंस आर दिस ठीक। चलिए सेकंड वाले पे आते हैं। सेकंड वाला ये कहता है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू 12 ky² + 8 ky - 20 k। कि ये तो सीधे सीधे कॉमन आ गया, आपको फैक्टराइज करना है तीन फैक्टर्स में, कि सीधे सीधे कॉमन आ गया, एक वॉल्यूम एक लेंथ मिल चुकी है, मतलब एक साइड मिल चुकी है, लेकिन अभी भी कंप्लीटली आंसर नहीं मिला है हमको। इसमें से और भी कुछ कॉमन जा रहा है, क्या है? 4 कॉमन गया, तो ये आपका आ गया 3y² 4k चला गया तो 3y², इसमें 4k गया तो 2y, और इसमें 4k गया तो 5 ठीक, गुड। अब इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करना पड़ेगा। अब आप एक ये कह सकते हैं, एक काम ये कर सकते हैं कि भाई 4 है गया, एक के हो गया और एक ये हो गया, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा है, इसको भी फैक्टराइज करें, क्वाड्रेटिक है ना, फैक्टराइज कर देते हैं। तो सम कितना है? 2, प्रोडक्ट कितना है 5 × 3 - 15। अब दोनों प्राइम ही है तो नंबर्स भी यही होंगे, प्रोडक्ट नेगेटिव है, एक नंबर को नेगेटिव होना है, एक को पॉजिटिव होना है, तो नंबर्स क्या हो गए आपके -5 + 5 & 3। लिख दीजिए तो ये आपका आ गया 4k × 3y² + 5y - 3y - 5। तो ये आपका आ गया 4k × y टाइम्स, इसमें से y लिया हमने तो ये आ गया 3y + 5, और इसमें से हमने -1 कॉमन लिया तो 3y + 5। अब फर्दर आप फैक्टराइज करिए तो 4k 3y + 5 आपने कॉमन लिया तो ये आपका आ गया 3y + 5 × y - 1। अब आपके पास तीन फैक्टर्स दिख रहे हैं, बेसिकली देखा जाए तो वैसे तो चार फैक्टर्स हैं, लेकिन हम इन्हीं तीन का यूज करेंगे। तो देयरफॉर पॉसिबल डायमेंशंस क्या हो गई? पॉसिबल डायमेंशंस आर 4k 3y + 5 & y - 1 ठीक है बच्चों। दिस कंप्लीट्स द डिस्कशन ऑफ एक्सरसाइज 2.5 ऑफ चैप्टर 2 ऑफ एनसीईआरटी ठीक, और इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट होता है पॉलिनोमियल्स। अब हम पॉलिनोमियल चैप्टर में एक्सपर्ट हो चुके हैं। चलिए तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमने दो चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, और आई होप कि आप लोगों ने जब इसको पढ़ा होगा तो आपको ज्ञान चक्षु थोड़े खुल गए होंगे। ज्ञान चक्षु मतलब पता ना, चक्षु संस्कृत में आंखों को बोला जाता है, ज्ञान आंखें जी, नॉलेज आइज जो भी है
हिंदी संस्कृति बढ़िया है, तो आपके ज्ञान चक्षु खुल चुके होंगे एंड आई होप यू ऑल मस्ट हैव एंजॉयड इट। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो से विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ रियली रियली इंटरेस्टिंग टॉपिक बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग है, पॉलीनोमियल्स की तरह बोरिंग नहीं होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एकदम ग्राफ्स बनते हैं, दिखता है वेयर द लाइन इज गोइंग, वेयर द पैराबोला इज गोइंग, वेयर द एलिप्स इज गोइंग, ये सब दिखता है सामने। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बस थोड़ा ध्यान लगा के पढ़िए, एक बार इंटरेस्ट आया नहीं कि कमांड एकदम मैथमेटिक्स पे कमांड आ जाती है। तो चलिए बहुत ज्यादा हम इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, आप लोग कहेंगे सर पढ़ाने आते हैं कि इधर उधर के गप्पे लड़ाने आते हैं। सो लेट्स नाउ बिफोर वी डिपार्ट प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल, लाइक अवर वीडियोस एंड डाउनलोड अवर एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।